हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज़ेडा टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब वीडियो के अपलोड करने के बारे में। दोस्तों, लेकिन हम वीडियो अपलोड करने के बारे में बात नॉर्मली नहीं करेंगे। आज थोड़ा अपर लेवल की ऊपर की सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैं आपको, चलिए तो बात शुरू करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो अपलोड के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो नॉर्मली जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी वीडियो को अपने चैनल पर जो अपलोड करते हैं वो YouTube के मेन ऐप से ही अपलोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। अगर आप वहाँ से अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो के बूस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्यूज़ थोड़ा रुक कर भी आ सकते हैं, लेकिन आपकी हर वीडियो का जो इम्प्रेशन होगा, YouTube आपकी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। और जब तक YouTube हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं भेजता है, हमारे चैनल की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये मेन चीज़ है कि हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए। तो लेकिन अगर आप उस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपकी वीडियो को YouTube ज़रूर से ज़रूर उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा। तो उसको अपलोड कैसे करना है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर YouTube क्रोम ब्राउज़र में जाकर YouTube को ऑन करते हैं और वहाँ से अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स नहीं जानते कि क्रोम से वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है। क्रोम से वीडियो अपलोड करने के फ़ायदे ये हैं कि क्रोम में जब हम वीडियो को अपलोड करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि हमें यूट्यूब के ऐप में नहीं मिल पाते हैं। तो हम अगर वहाँ से अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को बूस्ट मिलने वाला है। तो अगर आप नहीं जानते कि आपको कैसे अपलोड करना है, क्रोम से अपनी वीडियो को अपलोड कैसे करना है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्रोम से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से वीडियो को अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। अब मैं आपको गूगल क्रोम से वीडियो का प्रोसेस अपलोड करके बताने वाला हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस कि आप किस तरह से गूगल क्रोम से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए चलना होगा हमें अपने गूगल क्रोम में। चलिए मैं यहाँ पर अपना गूगल क्रोम को ऑन कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है YouTube.com के बाद आपको यहाँ पर साइड में आपकी ईमेल का या आपके चैनल का लोगो दिख जाता है। आपको वहाँ से उस चैनल को ले लेना है जिस पर आप अपलोड करना चाहते हैं। तो मैंने एक डेमो चैनल यहाँ पर बनाया है एक वीडियो अपलोड करने के लिए, क्या मैं आपको बता सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक चैनल को उसको ले लेता हूँ ZR गेमिंग फॉर यू से। ये भी मेरा एक गेमिंग चैनल है, लेकिन मैं इस पर वीडियो आपको डालकर दिखा देता हूँ, मैं बाद में उसको डिलीट कर दूँगा। तो यहाँ पर चलिए, मैं यहाँ पर अपना चैनल को ओपन कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स दिख मिलते हैं, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइड में चले जाना है। डेस्कटॉप साइड में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके आगे आपका चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे आपका चैनल यहाँ पर ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पर फिर से जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आपका चैनल ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करने के बाद, जूम नहीं हो रहा है, चलिए थोड़ा क्लिक हो रहा है कहीं पर। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में अपने चैनल के लोगो पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा योर चैनल नाम से, योर चैनल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे, आपके आगे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शंस दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर वीडियो का आइकन है, उस पर प्लस बना हुआ है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद, जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शंस आ जाता है अपलोड वीडियो का। तो आपको यहाँ पर अपलोड वीडियो वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका आगे फिर से कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपका आगे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा हमें वेट कर लेना होगा। थोड़ा वेट करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आगे एक न्यू इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका आगे लिखा हुआ होगा ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो फाइल टू अपलोड। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके आगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फाइल्स पे क्लिक कर लेना है। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और आने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो वाले पर, आप जब वीडियो में क्लिक करके आपकी वीडियो सारी आ जाएंगी जो आपके फ़ोन्स में वीडियो होंगी, आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस वीडियो को ले लेता हूँ। इस वीडियो पर आप जहाँ जो भी आपको वीडियो लेनी हो आप देखकर उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया
ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका आगे वीडियो पे क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको, अब मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस। तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है टाइटल। तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो का टाइटल डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी डाल लेता हूँ टाइटल फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ गुड नेचर वीडियो। तो मैं यहाँ पर गुड नेचर वीडियो इसका टाइटल डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको टाइटल डालना है अपनी वीडियो का। फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ। अब आपका इसके नीचे आता है आपका डिस्क्रिप्शंस। आप डिस्क्रिप्शंस में जो आपको डालना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर ऐसे ही गुड नेचर वीडियो ही यहाँ पर भी टाइप कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर भी गुड नेचर वीडियो ही टाइप कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से, अपनी वीडियो के हिसाब से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखिए। मैं लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। अब आपको यहाँ पर टाइटल हो गया आपका, डिस्क्रिप्शंस हो गया। यहाँ से होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है नीचे थंबनेल का। यहाँ पर आप अपलोड थंबनेल पर क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके आगे एक फिर से आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर ब्राउज़र में क्लिक कर लेना है या फ़ोटो भी खींच करके डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर, आप हर कोई थंबनेल बनाता है तो वो ब्राउज़र में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। मैं क्लिक करने के बाद नीचे से जाकर के कोई फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। चलिए तो यहाँ पर मैं कोई ना कोई सा फ़ोटो, चलिए मैं यहाँ पर इसको कैप्चर किया हुआ एक फ़ोटो है उसका थंबनेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आप थंबनेल लगाएंगे वो आपको थंबनेल यहाँ वीडियो में भी साइड में दिखने वाला है, यहीं पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपका थंबनेल भी सेट हो जाता है। तो यहाँ पर थंबनेल सेट होने के बाद आपको थोड़ा अब जूम करेंगे तो और देख लेते हैं। नीचे कैटेगरी आ जाती है ऑडियंस। तो ये आपका, ये वीडियो आप किड्स के लिए बना रहे हैं या मैं नॉट है किड्स के लिए नहीं है, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं नो इट्स नॉट फॉर किड्स पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपको, जब आपको लगेगा आपका यह वाला पेज पूरा हो चुका है, तो आपको फिर से यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शंस मिलते हैं डिटेल का, वीडियो एलिमेंट्स का, तो आपको वीडियो एलिमेंट्स पर क्लिक कर देना है। फिर आपका आगे वीडियो एलिमेंट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे आप वीडियो एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आगे ऐड एंड स्क्रीन। अगर आप वीडियो पे एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं। उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं ऐड सबटाइटल्स लगा सकते हैं, ऐड कार्ड्स कर सकते हैं। उसका आगे चेक का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पर चेक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चेक में कुछ नहीं आता है। जैसे मैंने ऐसी वीडियो उठा ली थी तो वो कॉपीराइट यहाँ पर हुआ है। अगर आपकी वीडियो सही होगी तो यहाँ कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको वैसे डाल करके बता रहा हूँ तो इसलिए ये कॉपीराइट की भी है। तो ठीक है, मैं अपलोड करूँगा, बाद में डिलीट कर दूँगा इसको। तो यहाँ पर बाद में आने के बाद ये अब आता है हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पर विजिबिलिटी का। तो विजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ जाता है कि आपको पब्लिक करनी है, प्राइवेट करनी है या अनलिस्टेड करनी है। तो अब आप पब्लिक करना चाहते हैं पब्लिक कर दें, अनलिस्टेड करना चाहते हैं अनलिस्टेड कर दें। यहाँ से तो फिलहाल मैं यहाँ पर पब्लिक ही कर देता हूँ। पब्लिक पर जो भी आपको करना है आपको उस पर क्लिक कर देना, जैसे पब्लिक पर या अनलिस्टेड पर। तो यहाँ पर मैं पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कॉर्नर में यहाँ पर पब्लिश का। आपको यहाँ पर साइड में आपको जूम करके दिखा देता हूँ, नीचे कॉर्नर में आपको पब्लिश का ऑप्शन दिखेगा, आपको सीधा पब्लिश कर देना है। जैसे आप पब्लिश करेंगे तो फिर से थोड़ा ये लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो गुड नेचर पर यहाँ पर आ रहा है पब्लिशमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिश्ड अप्रैल। तो यहाँ पर मैंने ये कही, आप यहाँ पर पब्लिश्ड आपकी वीडियो आई थिंक हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हम जा कर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप शेयर वगैरह भी कर सकते हैं पॉपअप ब्लॉक। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया है। अब मैं जा कर के देखता हूँ कि ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मेरा ये चैनल है तो मैं वीडियो में भी जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वीडियो अब यूट्यूब के उसमें आ जाता हूँ और अपने दिखाता हूँ आपको कि वीडियो अपलोड हो चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ईमेल को। तो यहाँ पर मैं इधर आ गया, और आने के बाद आपको यहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ में दिखा देता हूँ, योर वीडियोज़ में, सॉरी। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि हमारी वो वीडियो अपलोड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो योर वीडियोज़ में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं गुड नेचर वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर अपलोड करके मैं आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पर कि किस तरह से वीडियो अपलोड होती है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को गूगल क्रोम से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे YouTube वीडियो को अपलोड कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र से।
आपने पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से हर एक चीज़ का यूज़ करके क्रोम ब्राउज़र में जो हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको यूज़ करने के बाद अगर आप अपलोड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।